अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड ईयर मैथ्स, एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज 1.4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन है 3x-1 इफ एक्स लेस देन 1, फॉर इफ एक्स इज इक्वल टू 1, लास्ट है 2x इफ एक्स ग्रेटर देन 1, C इज इक्वल टू 1। C पे हमने क्या करना, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू C, और C किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, आया कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। सॉल्यूशन, फंक्शन के कंटिन्यूस होने से क्या मुराद होता, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। वो कंडीशंस का फुलफिल होना, सेटिस्फाई होना शर्त है। वो कंडीशंस 3 हैं। पहली कंडीशन ये होता कि फंक्शन, जो पहली कंडीशन है ये होती है कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो, फंक्शन डिफाइंड हो, जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी उस पॉइंट पे फंक्शन का डिफाइन होना शर्त है, पहली कंडीशन ये। दूसरी, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों। तीसरी कंडीशन ये है कि फंक्शन का आंस और लिमिट का आंस उस पॉइंट पे सेम होना चाहिए, तब हम कह देंगे दिस फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हुई तब वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन, वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अब हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। सबसे पहले तो पहली कंडीशन ये है, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। कहाँ पर डिफाइन होना चाहिए, किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जहाँ पर हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी, हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी x इज इक्वल टू c और c इज इक्वल टू 1, यानी हमने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी 1 पे चेक करनी है, एट 1 पॉइंट पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट 1 पर। फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स, यानी हमने सबसे पहली कंडीशन जो होती है ये कि फंक्शन डिफाइंड हो, 1 पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे, इस फंक्शन में एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है ये हमने चेक करना। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये है, 3 कंडीशन दी गई हैं, जब एक्स लेस देन 1 हो तो ये आएगा, जब एक्स इज इक्वल टू 1 है तो ये आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन 1 से बड़ा है तो ये आएगा। अब यहाँ पे जब फंक्शन के लिए हमने एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि ये फंक्शन 1 पर क्या वैल्यू देता, डिफाइंड है या नहीं, तो x इज इक्वल टू 1 हमने जब डायरेक्ट 1 पुट करना, अब इन तीनों में से देखना x 1 के इक्वल कब है, ऊपर वाले में x लेस देन 1, x 1 से लेस है, इधर x ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, ये जो सेंट्रल पे है वैल्यू, यहां पे x इज इक्वल टू 1 x 1 के इक्वल है, यहां पर x इज इक्वल टू 1 x 1 के इक्वल है, यानी हमने फिर ये वाली वैल्यू लेनी जहां पे x 1 के इक्वल है, मैंने यही कहा कि जहां पे इक्वल हो x इक्वल टू 1, यानी हमने क्या लेना, 4 आ जाएगा। ये है जब x लेस देन 1 हो, और 2x कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 1 हो, हमें तो चाहिए जब x 1 के इक्वल है तब 4 आ गया, ये हमारे पास आ गया f 1, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। इसका क्या मुराद, इससे मुराद ये होगा कि फंक्शन जो है डिफाइंड है 1 पर, और वो क्या वैल्यू देता, 4 देता है वैल्यू, फंक्शन 1 पर 4 वैल्यू दे रहा, पहली कंडीशन हो गई कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन है। दूसरी, लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कहां पे, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, वन को, क्योंकि वन पे कंटिन्यूटी चेक करनी, एक्स अप्रोचेस टू वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी, ऊपर नेगेटिव का साइन माइनस लगा देंगे, ऊपर जब माइनस लगा देंगे दिस मीन्स लिमिट अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं तरफ से लिमिट अप्रोच कर रही है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्स अप्रोचेस टू वन और ऊपर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट साइड से लिमिट अप्रोच कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। अब फंक्शन हमने लेना इन तीनों में से कौन सा आएगा, वन को अप्रोच कर रहा है, ये वन हमारे पास, ये वन, वन वन को अप्रोच कर रहा बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से वन को अप्रोच कर रहा। अगर बाएं तरफ से वन को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब वन से कुछ कम, जब बाएं तरफ से होगा तो कुछ कम, दाएं तरफ से होगा तो थोड़ा सा ज्यादा वन से, लेफ्ट हैंड लिमिट में यानी वन से कुछ कम, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा। वन से लेस हो यानी एक्स लेस देन वन, इसमें से देखना एक्स लेस देन वन किसके लिए है, अगर सबसे ऊपर देखा जाए एक्स लेस देन वन यही रहेगा, यानी इसके लिए फंक्शन क्या है, थ्री एक्स माइनस वन, हम इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स वो होगा थ्री एक्स माइनस वन, क्यों, एक्स लेस देन वन, लेफ्ट हैंड लिमिट है लेस ही होना चाहिए, तो ये फंक्शन आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन। इधर एक्स इज इक्वल टू वन, ये लेस के लिए नहीं है, इक्वल के लिए है, और ये ग्रेटर देन वन के लिए है, हमें तो लेस के लिए चाहिए, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब x अप्रोचेस टू 1, जहां जहां पे x है वन अप्रोच कर देंगे, x की जगह पे 1 आ गया, x अप्रोचेस टू 1, ऊपर जो नेगेटिव साइन है रिप्रेजेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, ये नेगेटिव साइन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा, 3 ये आ गया, x की जगह पे 1 आ जाएगा माइनस वन, थ्री वन जार थ्री, थ्री वन जार थ्री माइनस वन, ये आ गया, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 2, 2 हमारे पास आ गया। अब हमने चेक करनी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, ये प्लस का साइन। अब हमने देखना राइट हैंड लिमिट के लिए कि ग्रेटर होना चाहिए वन से, वन से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्यों, बिकॉज राइट हैंड लिमिट ये दाएं तरफ से आ रहा तो वन नहीं, वन से कुछ बड़ा होना चाहिए। सबसे ऊपर जो है ये x लेस देन वन है, छोटा है, ये इक्वल टू वन, राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर होना चाहिए, ये है x ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा, वन से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये आएगा, हम ये वाला फंक्शन लेंगे 2x, क्यों, यहाँ पे x ग्रेटर देन वन, x वन से बड़ा है और हमें चाहिए भी वही था कि x वन से बड़ा हो, ये आ गया 2x। अब x अप्रोचेस टू वन, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स राइट हैंड लिमिट, प्लस का वन ये नहीं, ऊपर पॉजिटिव लगा तो प्लस वन पुट कर दें, इधर माइनस लगा तो माइनस वन, ये मुराद नहीं होगा, इससे मुराद है लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे मुराद है पॉजिटिव साइन से राइट हैंड लिमिट, नेगेटिव साइन से लेफ्ट हैंड लिमिट, टू वन जार टू, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया 2, राइट हैंड लिमिट का आंसर आया 2, इसका मतलब दोनों सेम आए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आई, लेफ्ट हैंड लिमिट का 2, राइट हैंड लिमिट का 2, इससे मुराद ये होगा लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इससे मुराद फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एक्स, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, वन को, एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आई, जब सेम आई तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स, फिर इस फंक्शन की लिमिट जो है अगर लेफ्ट और राइट दोनों सेम आई तो दोनों किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो ये 2 आ गया, यानी लिमिट का आंसर में फिर क्या मिला, 2 मिला, क्यों, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो हम यूं कह देंगे, फिर इससे मुराद ये होगा लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, 1 पे कर रहे, इधर भी 1 है इधर भी 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ना प्लस लगाना ऊपर ना माइनस लगाना, अकेला 1 लिखेंगे, फिर आगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन वो किसके इक्वल आ गया, 2 के, जो दोनों का सेम आंसर आया वो आंसर आ गया, यानी लिमिट का आंसर 2 आया, दो कंडीशंस फुलफिल हो गई, तीसरी कंडीशन ये है फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसे मैं इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगा। अब फंक्शन की वैल्यू 1 पर है 4 और लिमिट की वैल्यू 1 पर है 2,
कभी भी 4 2 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब दो कंडीशन तो फुलफिल हुई हैं, सेटिस्फाई हुई कि फंक्शन भी डिफाइन था, लिमिट ने भी एग्जिस्ट किया, लेकिन फंक्शन का और लिमिट का हाँ सेम नहीं आया। यहाँ पे 4 आ रहा और यहाँ पे 2 आ रहा। f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू, f ऑफ 1 जो है इसके इक्वल नहीं है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ये इसके इक्वल नहीं आया। अगर नहीं आया यानी तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, अगर तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इससे मुराद फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। दिस शोज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, दिस शोज दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। इससे मुराद ये है कि फंक्शन ये कंटिन्यूस नहीं है, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन। मैं यहाँ चेक कर लूँ बुक से 1.4 दूसरे का दूसरा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन यानी नॉट अ कंटिन्यूस, नॉट अ कंटिन्यूस कह लें या डिसकंटिन्यूस कह लें एक ही मुराद होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चलें जी अल्लाह हाफिज़।